हार्ट डिजीज, हृदय रोग, हृदय की धमनियों में आए हुए अवरोध, हृदय की कार्य क्षमता में अल्पता, हार्ट का इनलार्ज होना, हृदय स्पंदन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मिटल वाल्व प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम, टिकिकार्डिया की प्रॉब्लम, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, वाल की प्रॉब्लम, इन समस्त समस्याओं का समाधान योग से ही संभव है। इसलिए भाई, यदि आपको हृदय रोग से बचना है तो आप धूम्रपान बंद कीजिए, ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इनको बंद कीजिए। केवल कोरोनरी हार्ट डिजीज ही नहीं, कैंसर, मुंह का कैंसर और गले का कैंसर, छाती का कैंसर, ये सभी तीनों मिलाकर के लगभग 90% तंबाकू के कारण से होते हैं। लंग का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर तंबाकू के कारण से हो रहा है। क्यों आप तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं? इसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब छोड़िए, क्योंकि भगवान ने आपको ये जो शरीर दिया है बेशकीमती, इसको यूं ही बर्बाद ना करो। खानपान में थोड़ा चेंज करो, तली हुई चीजें ज्यादा ना खाओ, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करो। वैसे तो लौकी का जूस हम हार्ट के रोगियों के लिए बताते हैं, लौकी का जूस एक ग्लास, ऐसे ही लौकी को, बस लौकी, दूध, घी, उसको गर्म पानी से धो लीजिए बिना छिलका उतारे, और बस उसको अच्छी तरह से कद्दूकस में कस के या मिक्सी में उसको डाल के उसका जूस निकाल लीजिए, कपड़े से छान करके उसको पीजिए। एक ग्लास लौकी का जूस, 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते पुदीना के, उसमें 3 से 5 काली मिर्च भी डाल देना, थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए जिनको अस्थमा है, जिनको जोड़ों में दर्द है, वे जरा इसमें सौंठ और काली मिर्च डाल करके ही पीना, या इसको गर्म करके पी लेना। हृदय के सभी रोगों में लौकी का जूस लाभ करता है। अर्जुन की छाल 1 चम्मच लो, 1 गिलास पानी में उबालो, अर्जुन की छाल को उबाल करके उसका काढ़ा बना करके पी लीजिए। थोड़ा अर्जुन की छाल थोड़ी जो है रुक्ष होती है, इसलिए अर्जुन की छाल 1 चम्मच, 1 कप गाय का दूध, 1 कप पानी पकाएं, जब 1 कप बाकी रह जाए, शीश रह जाए, उबालते उबालते जब छान करके पी जाए, ये भी हृदय के लिए उपयोगी होता है। लेकिन भाई, ये सब करने से पहले प्राणायाम कर लेना, प्राणायाम के करने से आपके हृदय की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी, माने ओरिजिनल हार्ट आ जाएगा आपका, जो आर्टरी ब्लॉक होगी थी दोबारा से खुल जाएंगे, ऐसा हो चुका है बहुत से लोगों के, हमने पहले और बाद में एंजियोग्राफी करवाई और पता लगा कि हार्ट के ब्लॉकेज खुल चुके हैं, इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए। और इसी से तो बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाती है, इकोग्राफी बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाती है। आप थोड़े दिन योग करो, आप देखना आपकी टोटल बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, पूरी आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज होगी, आपकी टोटल कार्डिक प्रॉब्लम दूर होंगी प्राणायाम के द्वारा। और अब तो इस देश के अंदर ही, भारत के गांव के अंदर भी 3 से 4% लोगों को अभी हार्ट की प्रॉब्लम होती जा रही है, और अर्बन एरियाज में तो 8 से 10% लोगों को CHD की प्रॉब्लम होती जा रही है। बहुत खतरनाक तरीके से ये कोरोनरी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आखिर कोई समाधान तो होगा जिससे आदमी अकाल मृत्यु का ग्रास न बने। मौत को यूं तो कोई रोक नहीं सकता, परंतु बेमौत मरना ठीक नहीं। ईश्वर ने जो जिंदगी दी है उसको जियो। जीवे में शरदः सतम, शृणुयाम शरदः सतम, पश्येम शरदः सतम, अधीनः स्याम शरदः सतम, भूयश्च शरदः सतात्। 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदगी हमें मिल सकती है, स्वस्थ आयु। आपको करना पड़ेगा प्राणायाम। देखो, सबसे पहले हार्ट के रोगों से बचने के लिए आहार पर थोड़ा कंट्रोल करना, लौकी का जूस पीना, अर्जुन की छाल भी पी लेना, और कुछ भी थोड़े आयुर्वेदिक उपचार हो बाद में बताएंगे, कुछ एक्यूप्रेशर भी, लेकिन मुख्य रूप से प्राणायाम कर लेना। आसन जटिल तो करने ही नहीं, सरल सहज, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम और कुछ सरल आसन भी आप करना चाहें तो कर सकेंगे, लेकिन प्राणायाम से ही हृदय के समस्त रोग आपके दूर हो जाएंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम है हार्ट की तो प्राणायाम की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देना, कम प्रॉब्लम है तो भी 1.5 घंटा प्राणायाम और 15 मिनट लगभग सूक्ष्म व्यायाम और थोड़े से सरल सहज आसन कर लेना रोज। और बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तो दोनों वक्त आप प्राणायाम कर लेना, और दोनों समय लौकी का जूस और लौकी की सब्जी खाना, तो बहुत जल्दी हृदय रोग से आप मुक्त हो जाएंगे निश्चित रूप से।
बहुत से लोगों पर हमने प्रयोग किया और हजारों नहीं लाखों लोगों पर प्रयोग करने के बाद में आपको भी हम बता रहे जो हृदय का उपचार हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से ऋषि मुनि किया करते थे, क्योंकि हमारे सुश्रुत में, चरक में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में और बहुत सी चीज़ों के ऑपरेशन लिखे, हार्ट का ऑपरेशन ही नहीं लिखा, प्राणायाम ही से हृदय की ग्रंथियाँ, हृदय के अवरोध सारे खुल जाते। भृद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। आओ, भीतर से भगवान भी मिलेंगे, हृदय के अवरोध में मिटेंगे और ये क्लेश और वासनाएं भी क्षीण होंगी, तुम तनाव मुक्त जीवन जी सकोगे। तनाव भी तो बहुत बड़ा कारण है हार्ट के रोगों में। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों के ऊपर, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ प्राणायाम के अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, ध्यान दे, जोर से प्राणायाम नहीं करना, धीरे धीरे करना। अभी तक तो एक भ्रांति ये भी थी कि हार्ट के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के रोगियों को प्राणायाम नहीं करना, ये गलत अवधारणा। मैं तो कहता हूँ हार्ट के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के रोगियों को, और खास करके गर्भवती माताओं बहनों के लिए भी योग अभ्यास मना किया करते थे लोग। मैं कहता हूँ प्राणायाम उनको भी जरूर करना है, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम को छोड़ करके, नहीं तो स्वस्थ बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। मंगोल, अपंग, हृदय रोगी, अस्थमा के रोगी और डायबिटीज के रोगी बच्चे ही पैदा होंगे। इसलिए देखो, हार्ट के रोगियों को प्राणायाम करना है, खास बात, परंतु धीमी गति से, मध्यम गति से, सहज करना है। श्वासों को भीतर गहरा भरना और मन में विचार करना, मेरे हृदय के अवरोध दूर हो रहे। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ ऑपरेशन अपने आप हो जाएगा तुम्हारे। देखो, दो चीजें होंगी, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे, ऐसा भी हो चुका है, ऐसे हमारे पास पूरे डेटा है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को। जिन कैंसर के रोगियों को, जिन हार्ट के, क्योंकि कैंसर योग से ठीक होना लोग असंभव मान रहे थे, लेकिन हमने जिनको ठीक किया उनकी, फिर हमने पूरे डेटाबेस भी तैयार किया और उनकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास में, कैंसर के रोगी, हार्ट के वो रोगी जिनके ब्लॉकेज दूर हुए, हेपेटाइटिस ए बी सी के रोगी, सिरोसिस ऑफ लिवर के रोगी, माने वो रोगी जो है लिकोडर्मा के रोगी, स्क्लेरोडर्मा के रोगी और जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के रोगी, वो रोगी जो असंभव माने जा रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, वो भी इन सात प्राणायामों के करने से ठीक हुए। और वही प्राणायाम आपको करना है हृदय रोगियों को, लेकिन मध्यम गति से करना, खास बात यही है बस इसके अंदर। यूं गहरा श्वास भरे, बाहर छोड़ो, लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना है, सहज करना, धीरे धीरे अभ्यास करके एक मिनट, फिर दो मिनट, जब थकान लगे तब रुक जाए इसको, एक से दो मिनट, फिर धीरे धीरे पांच मिनट तक भी आप कर सकते। वैसे तो सभी बीमारियों का मुख्य कारण तनाव ही है, ये आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मान चुका है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने पहले ही कह दिया था, प्रज्ञापराध हुई सर्व रोगाणाम कारण, प्रज्ञापराध, नकारात्मक मानसिकता, स्ट्रेस, तनाव, यही रोगों का मुख्य कारण है। इसलिए प्राणायाम तनाव मुक्त होकर के, मस्त होकर के करना, भाव से, मस्ती से, आनंद से प्राणायाम करो और फिर देखो, श्वास एक भीतर गहरा भरो ना, बाहर छोड़ो और मन में सोचो हृदय के सब अवरोध दूर हो रहे, दूर हो रहे, दूर हो रहे और हो चुके हैं। बार बार ये सोचो, आप कहेंगे समझ, ऐसे सोचने से हृदय के अवरोध दूर होते हो तो सारी दुनिया ना ठीक हो जाएगी, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। जिस दिन ये पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगी दुनिया, उस दिन सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। तुम प्राणायाम करो हार्ट के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज ही खुल जाएंगे, ओरिजिनल हार्ट दोबारा से तुम्हें मिल जाएगा। मैं कह रहा था एक आदमी बैठा, उसको पता लगा, पता था ही नहीं कि उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको एक सूचना मिली कि तुम्हारे घर में ये दुर्घटना हो गई, तुम्हारे प्रियजन के साथ ये दुर्घटना हो गई, और उस एक क्षण के तनाव ने, उस एक क्षण की चिंता ने उसको धराशायी कर दिया, हार्ट अटैक आ गया। एक क्षण में, एक विचार ने, एक नकारात्मक सोच ने, एक तनाव ने उसको हार्ट अटैक कर दिया। माने वो आदमी जो अभी तक ठीक ठाक था, एक ही मिनट के अंदर हार्ट अटैक हो गया।
सोचा और सोचते सोचते हार्ट अटैक हो गया। और कई बार तो इतना जबरदस्त एक क्षण के तनाव का प्रभाव पड़ता है कि आदमी मौत के मुंह में समा जाता है। जब एक मिनट में आदमी मर सकता है तो क्या जिंदा नहीं हो सकता? जब एक मिनट में हार्ट के अंदर आदमी को इतनी प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो क्या जो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस आदमी को अभी तक एंजाइना पेन था, जिस आदमी को अभी तक हार्ट के ब्लॉकेज थे, क्या एक क्षण में अच्छा नहीं हो सकता? हो सकता है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति प्रबल होनी चाहिए। ऐसा हमने किया भी है, खाली मैं कहता नहीं हूं, मैं लेक्चर नहीं देता, खाली प्रवचन नहीं देता हूं, खाली जो अनुभूति होती है उसको मैं सशक्त अभिव्यक्ति देता हूं, बस इतनी बात जरूर है। लेकिन आप अति उत्साही भी नहीं होना। मैं कहता हूं कि प्राणायाम के करने से हृदय के समस्त रोग दूर होते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा। और यदि आप प्रबल संकल्पवान हैं और आप थोड़ा सा संयम रखते हैं अपने जीवन में, तो आप पहले ही दिन से पूर्ण स्वस्थ होने लग जाते हैं। ऐसे आराम आराम से करना, जब थक जाओ तब रुक जाना, पूरे भाव से करना और मन में सोचना हृदय के अवरोध सब खुल रहे हैं, सब प्रॉब्लम ठीक हो रही हैं, मेरा हृदय अपने आप खुद को ट्रीट करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान को अपना डॉक्टर बना लो, स्वयं को अपना डॉक्टर बना लो, खुद पर विश्वास रखो, खुदा अल्लाह परमेश्वर गॉड पर विश्वास रखो, उस ईश्वर पर ओंकार ब्रह्म परमेश्वर पर विश्वास रखो, बिना की कोई ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। करना पड़ेगा प्राणायाम का रोज, ये प्राणायाम आपको रोज एक घंटा करना है, जो भाई मैं बता रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है आपको दो घंटे लगे, क्योंकि थक जाएंगे आप बीच बीच में ज्यादा। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, एक से लेकर धीरे धीरे 5 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, 5 मिनट प्रारंभ करना पहले ही दिन, भस्त्रिका के बाद कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना, लेकिन बहुत तेजी से यूं नहीं करना, इससे तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मेरे भाई। देखो हार्ट के ब्लॉकेज खुलेंगे, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड टोटल नॉर्मल, एक विद इन वीक, एक सप्ताह में लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल, पूरा लिपिड नॉर्मल, हीमोग्लोबिन ठीक हो जाता है, TLC DLC ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बिलिरुबिन सब कुछ नॉर्मल, तो खाली हार्ट ही नहीं और भी दूसरी समस्या आपके साथ अपने आप दूर हो जाएंगी। कपालभाति प्राणायाम करना, वेट भी ठीक कम हो जाएगा, डायबिटीज है तो वो भी ठीक हो जाएगी, BP है तो वो भी ठीक हो जाएगी, बस यही कपालभाति प्राणायाम। बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, हर समय हार्ट में पेन रहता है, और कईयों को तो मैंने देखा है ऑपरेशन कराने के बाद, बाईपास कराने के बाद या एंजियोप्लास्टी कराने के बाद भी मसल में पेन रहता है, तो क्या करें? धीरे करें, लेकिन इतनी धीरे भी नहीं करना कि आप इतनी धीरे नहीं, थोड़ा सा तेज, मध्यम गति, तेजी देखो ये है, ऐसे नहीं करना, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ आप कपालभाति प्राणायाम ये करना आप प्रतिदिन 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक, और करते करते सोचना हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, ट्राइग्लिसराइड घट रहा है, सब रोग अवरोध दूर हो रहे हैं, हृदय स्वस्थ हो रहा है, हार्ट इलाज था वो भी नॉर्मल आ जाता है, ऐसा हो चुका है, ऐसे हमारे पास पेशेंट्स की रिपोर्ट है। पहली बार जब किसी पेशेंट ने बोला तब हमने उसके ऊपर स्टडी करनी प्रारंभ की। ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये मैंने आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता हुआ देखा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से करीब शिविरों में अब तक लगभग 70 लाख और यदि आश्रम के अंदर आए हुए भी लोगों को जोड़ दिया जाए तो करीब 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से योग की इस विद्या से लाभ देने के बाद, और अप्रत्यक्ष रूप से TV के माध्यम से 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो योग कर रहे हैं उन सब की मैक्सिमम लोगों की अनुभूतियों को आपके सामने मैं अभिव्यक्ति दे रहा हूं। ये पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं था, अक्सर अधिकतम जो मैं बोलता हूँ योग के बारे में, इसलिए पहले पहले लोगों को आश्चर्य लगा कि स्वामी रामदेव कहते कि प्राणायाम से योग से ये हो जाता, ये हो जाता, योग तो बहुत करोड़ वर्ष पुराण ऋषियों का था, लेकिन उसमें तो ऐसा कहीं हमने लिखा हुआ पढ़ा नहीं। फिर देखो हृदय रोग सहित सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। कपालभाति प्राणायाम, सांसों को बाहर छोड़ना,
अब बहुत कमजोर है, धीरे करें और धीरे करें। सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना है। बहुत ही हार्ट की प्रॉब्लम हो तो और बढ़ा सकते हैं, 20 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन 5 बार करने से कोई लाभ नहीं होगा। जितनी देर मैं जिस प्राणायाम को करने के लिए बोलता हूं उतनी ही देर करें। प्राणायाम के ऊपर शोध करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, चिंतन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे दवाओं की एक डोज होती है, उनकी एक क्वांटिटी होती है, उनकी एक मात्रा होती है, उसका एक समय होता है करने का, खाने का, दवा खाने का, और उसके द्वारा कुछ लाभ होते हैं। ऐसे दवा की तरह प्राणायाम लाभ करता है, दवा से कई 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा, 1000000 गुना ज्यादा प्राणायाम फायदा करता है। बस उसका समय ठीक हो प्राणायाम का, कि कितनी देर किस प्राणायाम को करना, उसकी विधि ठीक हो।